एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स, बराए राबता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार, अब आपके शहर में मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमात नाम, बातमात सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मायार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। इम्तियाज ट्रेवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महजब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रेवल, सिर्फ एक फोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलक, खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में, हर फन को इतनी चाह से करती है, हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बे में दो की जगह हासिल करें तीन पैकेट्स। ब्रदरता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन आईपीटीवी वर्ल्ड। मजीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years, and winner of the Best Export Brand of the Year Award, Mehran Spice and Food Industries. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से बज़्म तकबीर के साथ मैं हूँ आसिफ भट्ट। रिमशा कंवल, जो इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं, किसी निजी मसरूफियत की वजह से आज तशरीफ़ नहीं ला सकी, इसलिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंप दिए गए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम बज़्म तकबीर में हमारी कोशिश होती है कि यूनान में इमिग्रेशन कवानीन के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया जाए और तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए। इसके अलावा जो नाज़रीन मुसलसल हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो इस बात के शाहिद हैं कि हम अपने प्रोग्राम में यूनान में मौजूद पाकिस्तानी बरादरी की सरगर्मियों से आपको आगाह करते हैं, चाहे वो समाजी हों, चाहे वो सियासी हों या मजहबी। इसी तरह आज के प्रोग्राम में इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि 2014 की पारातासी का ऐलान कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक होगी। जिन लोगों के पास वैलिड वीवीओसी है, वो 1 जनवरी 2014 से लेकर
31 दिसंबर 2014 के दरमियान अपनी विवेशिक की डेट ख़त्म होने तक अपने अपने ममालिक में रह सकते हैं। पारदासी की मज़ीद तफसीलात हम सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब से पूछ के अगले प्रोग्राम में आप तक पहुंचा देंगे। तो आइए नाज़रीन, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक रिपोर्ट से। रिपोर्ट पे जाने से पहले मैं आप कुछ कहना चाहूँगा। आज हमारी कम्युनिटी का सर फ़ख्र से बुलंद है और उसकी वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी की एक मारूफ शख्सियत सैयद मोहम्मद जमील साहब को यूनान के सदर कार्लोस पोपुलियस की तरफ से इनकी यूनान में आला खिदमात के सिले में एवार्ड से नवाजा गया। इसकी तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में।
Thank you.
तो नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, चलो आइए चलते हैं अब टॉक शो की तरफ। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराए राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार, अब आपके शहर में मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ बातमात नाम बातमात सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर।
मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, घी मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मायार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। एमटाउस ट्रेवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महजब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल, सिर्फ एक फोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है, खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में, परफ्यूम को इतनी चाहत से करती है, हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बे में दो की जगह हासिल करें तीन पैकेट्स। ब्रारता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। इम्तियाज सैटेलाइट की फख्री पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मजीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years and winner of the Best Export Brand of the Year Award, Mehran Spice and Food Industries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nazreen. यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल्लाह खान। नाज़रीन, जब कोई शख्स अच्छी खिदमत फराहम करता है और एक तवील अरसे के बाद उसको उसकी खिदमत का एज़ाज़ भी मिल जाए, अवार्ड भी मिल जाए, तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ भी होता है और एक फ़ख्र भी होता है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके तमाम हमवतनों के लिए, उसके मुल्क व कौम के लिए, उसके सफारत खाना के लिए और उसकी हुकूमत के लिए, सब के लिए बास पाई से इफ्तिखार होती है कि उस शख्स ने किसी दूसरे मुल्क में रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अच्छी खिदमत के सिले में मकामी आबादी की नज़रों में उसे अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, इसी तरह का एक सिलसिला गुज़िश्ता मंगल को हुआ कि जब यूनान की एक बहुत बड़ी अच्छी और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम किनिसी पोलिटोन है और जिसके काबीना के अंदर यूनान के साबिक प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, सियासतदान, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े मुअल्लिम, उस्ताद, टेक्नोक्रेट्स और बहुत सारी अहम शख्सियात उसकी उस कमेटी के अंदर शामिल है जो सिलेक्शन कमेटी भी, और उस कमेटी के अंदर भी शामिल जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उस कमेटी ने यूनान से 80 ऐसी तंजीमात को एक मुकाबले में शरीक किया जो उनकी खिदमात पर मबनी था और उन खिदमात के बदले में उनको अवार्ड दिया जाना था। ये नहीं है कि यह मुकाबला पहली बार 2013 में हुआ, बल्कि ये तंजीम 2001 से अपना ये प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। हर साल यूनान में पूरे यूनान से, दूर दराज के इलाकों से भी, शहरों से भी, देहातों से भी और जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ तक, यानी पूरे यूनान का अहाता करते हुए जो तंजीमात ज़िंदगी के किसी भी शोबे में रजाकारना तौर पर ऐसी खिदमात फराहम कर रही है जिससे बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचता हो, तो वो उसकी सर्च करके, उस पर तज़िया करके, उस पर उसकी कारकर्दगी को मुलाहिजा करके, उसके तमाम रिपोर्ट्स को देखकर एक मुकाबले का अहतमाम करते हैं और उस मुकाबले के बाद उसे हर साल उनमें से चुनाव करके कुछ तंजीमात को अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल भी किनिसी पोलिटोन ने यूनान से 80 तंजीमात को इस मुकाबले में शरीक किया ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए जो मुख्तलिफ तंजीमात के नाम पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपने किरदार से और अपनी भाग दौड़ से और अपनी मेहनत से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी अवार्ड सेरेमनी की जाए। 80 तंजीमात को इस दौड़ में शामिल किया गया
और जो उनकी सिलेक्शन कमेटी थी, जो उनकी जायजा कमेटी थी, उसने इंतहाई गौर व खोज और सबूत वगैरह देखने के बाद 10 तंजीमात को इस साल 2013 के निसीदेस पियोतितास 2013 अवार्ड के लिए मुंतखब किया और खुशकिस्मती से इस मरतबा उन 10 जमातों में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक जमात पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी भी थी, जिसकी वजह से उसको ये अवार्ड दिया गया उसके इंतखाब पर। और ये एक ऐसी जमात है पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी कि जब यूनान में पाकिस्तानी अभी लीगल भी नहीं हुए थे और अभी उनको इतना पता भी नहीं था कि कौन कौन सी सहूलियात और कौन कौन से मामलात हुकूमत यूनान के साथ किए जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बनी नौ इंसान के लिए भी और तारकीन वतन के लिए भी ये हुकूमतें, यूरोपियन हुकूमतें और यूनान की हुकूमतें तैयार करती हैं और उन प्रोग्राम्स को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब ने इसकी नुमाइंदगी करते हुए इस तंजीम की बुनियाद डाली। इनके साथ लाम वाला कुछ और साथी भी मौजूद थे, उनकी तमाम तफसीलात शाह साहब में फराहम करेंगे। तो सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब को मंगल के रोज़ यूनान के सदर कैरोलोस पापोलियस के हाथों अवार्ड दिया गया उनकी खिदमत के एतराफ में। और 43 साल जो इनकी ज़िंदगी है, उनका कहना यह कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और काबिल फ़ख्र दिन है कि मेरे वालदैन की तरबियत, मेरे घर वालों की तरबियत और मेरी तमाम मेहनत का मुझे आज निचोड़ मिला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब। शाह साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब बात तो मैंने कर ली, इब्तदाइया मैंने दे दिया, आपका तारुफ भी मैंने करवा दिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से भी, तकबीर टीवी की जानिब से भी और यूनान में बसने वाले बिलखसूस जो पाकिस्तानी हमारे तारकीन वतन हैं उन सब की जानिब से आपको इस बात पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि बिलाखिर बकौल आपके 43 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे इसका अजर दिया, मुझे इज्जत दे दी, तो आपको यूनान के सदर के हाथों अवार्ड दिया गया आपकी खिदमत के एतराफ में। यकीनन आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, लेकिन हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रहे हैं कि कितना अच्छा फील कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान भाई, आपने माशाल्लाह तमहीद में ही अहाता कर दिया है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद ये उसी की करम नवाजी से ये सिलसिला जो है ये चला, उसके बाद मेरे वालदैन की तरबियत, उनकी शफकत, उनकी गाइडलाइन, क्योंकि अल्लाह गरी के रहमत करे मेरे वालद साहब भी वॉलंटियरली वो सरकारी मुलाज़म होने के बावजूद वो शुरू से ही खिदमत खलक में ईमान रखते थे और वो भाग दौड़ करते थे बेलाउस लोगों की। तो ये चीज़ विरसे में खून में मुझे मिली और जब मैं अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ से मैं इस चीज़ में मुतहरिक था, यूनान आया। यूनान आने के बाद इब्तदाई सालों की तलीम व तरबियत और कारोबारी ज़िंदगी में आने के बाद मैंने महसूस किया कि हमारे तारकीन वतन बिलखसूस पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से बहुत सारे तारकीन वतन जो है वो आने शुरू हो गए। तो यूनान में आके उस वक्त जॉब्स थी, आपको भी मालूम है, हालात अच्छे थे, यहाँ बहुत ज़्यादा खपत थी और यहाँ एडजस्ट होते रहे। उस वक्त तसव्वुर नहीं था आगे जाने का, यहीं पर ही रोज़गार सबको मिल जाता था, यहीं पर ही सब सेटलमेंट हो जाते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि जब किसी भी माशरे में तारकीन वतन आते हैं और उसमें मसाइल और उसमें ज़रूरियात, हकूक, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक नई आबादी ने आना होता है, उस नई आबादी ने वहाँ पर आकर आबाद होना होता है, मुस्तकिल रहना होता है। एग्जैक्टली, इसलिए सब चीज़ों एक दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग, ज़ाहिर है नया माशरा, नया माहौल, हमारे नई कल्चर, सब कुछ, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करना ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों के लिए शुरू से मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मैं नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ, जो बहुत कम नाज़रीन को, जो पुराने लोग यहाँ अर्ली 70s के अगर कोई है तो वो इस चीज़ को, अगर उनके इल्म में ये बात हो, लेकिन हमारे रिकॉर्ड और सफारत खाने के रिकॉर्ड में ज़रूर ये चीज़ है, 75 के एंड में पहला पाकिस्तानी सकाफती ताइफा ज़िया मोहुद्दीन और नहीद सदीकी का मैंने एक ग्रीक कंपनी के साथ मिलकर दिमोतिको थिएटर पीरिया में ये एक हफ्ते के शो थे। वो मेरी पहली इब्तिदा थी सकाफत के साथ, कल्चरल इवेंट जो मेरा था वो। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो कामयाब रहा और एक नई चीज़ थी, बड़ा अच्छा वो ताइफा था, बड़े बहुत ही उस वक्त आपको पता है ज़िया मोहुद्दीन एक ऐसा नाम है। वो मेरी इब्तिदा थी सकाफत के साथ लगाव की।
अंदर तड़प थी मेरे, कुछ खानदानी बैकग्राउंड भी था बड़े भाई की वजह से। उसकी कामयाबी के बाद फिर आपको और ज्यादा शौक पैदा हुआ? और ज्यादा शौक पैदा हुआ। और जो पहला 50 साल पाकिस्तान का जो गोल्डन जुबली पाकिस्तान की थी, वो पहला प्रोग्राम हमने मेयर ऑफ नी किया त्रापाली वसीम से, उसके तावन से आरिफ लाहौर का बुलाया, उसके जो सफीर मोहतरम थे रशीद अहमद साहब, उनके तावन से और पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने मिलकर, उस वक्त ऑफिशियली पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी। एग्जैक्टली वो उसी ने आपको ज्यादा उस वक्त तकवीयत दी थी, तकवीयत दी। और हमारे पहले जो हमारा जो काता साथी को हमने लीगल इसको किया फॉर्म, यूनान की पहली कोई भी रजिस्टर्ड तंजीम ये पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी तारकीन वतन में से, जिसके चेयरमैन वसीली त्रापाली, चौधरी इजाज साहब मेयर साहब, चौधरी इजाज नायब सदर वो आज भी हैं, और मैं थे, हम तीन शख्सियात थे, और सफीर मोहतरम ऑनरी उसके मेंबर, और एक मेरे वकील थे पंदेली स्मिचिस, वो आज भी ऑनरी मेंबर है हमारी तंजीम के। तो ये लीगली हमने उस वक्त ये चीज़ शुरू की। लेकिन एहसान भाई, जब ये तारकीन वतन का प्रॉब्लम शुरू हुआ और ग्रीक गवर्नमेंट ने सोचा कि अब प्रेशर बढ़ रहा है तो लीगलाइजेशन करनी ज़रूरी है, शोर भी मचा आवाम की तरफ से भी, तो उस वक्त हमने इसको फोरकास्ट कर लिया था कि तारकीन वतन के लिए जाहिर है कि आगे बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए गाइडलाइन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अपने तक महदूद थी और उस वक्त गवर्नमेंट भी ज़रा स्ट्रिक्ट थी तारकीन वतन के लिए, वो किसी भी सूरत में इनको लीगल या इनके हकूक देने को तैयार नहीं थी। ख़ास तौर पे नया डेमोक्रेटिया की जो गवर्नमेंट आती है वो तारकीन वतन के सख्त खिलाफ आज उसमें मजबूरी के तौर पे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारी सहूलियात जो हैं, बहुत सारी सहूलियात यूनान के जो वज़ीर आज़म थे कोस्ता समिति, उनके जाने के बाद जो नया डेमोक्रेटिया ने जो एक्शन लिए हैं उससे तारकीन वतन को बहुत ज़्यादा फायदे भी हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जो प्रॉब्लम्स थी उस वक्त के आपका स्टिकर खत्म होने के बाद आता था जी, बहुत ज्यादा होती थी, तो लेकिन इब्तदा सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने की थी, उसने की ठीक है, सारा राइट्स जो थे वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने कह सकते हैं कि 98 से पहले तक जो नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो ताकी की, उसके अंदर कम से कम तारकीन के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजों ने मुझे मुख्तसर इसको करता हूँ कि मुझे ये तहरीक पैदा की, शौक था, जज्बा था, जुनून था, फिर ये दर्द भी था कि ये हमारे लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं था, और ये और भी इमिग्रेंट से। उसी वक्त से मैंने पब्लिक रिलेशनशिप जो है आला हुकाम के साथ किसी भी लेवल पे, ये हमने उस फंक्शन के बाद हमने ये शुरू कर दिया था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट के इदारों में जाकर वहाँ से उनके साथ इंफॉर्मेशन लेना, वो अपने लोगों तक पहुँचाना, ये ज़रिया बना। तो ये सिलसिला उस वक्त से चल निकला और आज तक सारे अवाम जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन हो, रात हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वसाइल हैं नहीं हैं। यहाँ मैं एहसान भाई, अगर आप इजाज़त दें, ये मौके बार बार ज़िंदगी में नहीं आते, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तकबीर टेलीविजन का कि आज मेरी ये खुशकिस्मती और आपको भी एजाज़ है कि हम इस मुबारक चैनल के ऊपर मेरी ज़िंदगी का ये जो इवेंट है, ये इसमें मुझे फ़ख्र है कि इसमें इसको कवरेज का मौका मिला है, और मेरे लिए ये बायस फ़ख्र है हकीकत। आप सब टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उन तमाम पाकिस्तानी बरादरी को तमाम बला तफरीक, चाहे मेरे से उनके तल्लुकात कैसे भी रहे हों, लेकिन आज मैं उन तमाम शख्सियात का, उन तमाम समाजी, सियासी, कारोबारी, सहाफ़ती, फनकार बरादरी और आम पब्लिक का, पाकिस्तानी बिलखसूस, इंडियन, बांग्लादेशी और अफगान बरादरी का, इन सब का तावन अगर मेरे साथ ना होता, एतमाद भी था। बहुत अच्छे, बिल्कुल ये आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उन सब का तह दिल से मशकूर हूँ, और यकीन करें मैं सारी जिंदगी उनका हिसाब मत रहूंगा कि उन्होंने ये इज्जत दी, मुझे एतमाद दिया, और मैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रिकॉग्नाइज किया। आज ये सैयद मोहम्मद जमील या पाक अल्फाज उसने इस जमात के सदर ने, किनीसी पोलिटोन के सदर ने जो शब्द इस्तेमाल किए, बिल्कुल जब तारफ करवाया पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों के साथ हमारे कुछ
तजादात भी थे, कुछ मामलात ऐसे भी थे कि इनका दिल टूटा हुआ था, कुछ ऐसी चीजें भी थी कि इनको ये महसूस होने लगा कि हम लोग तासुब कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी उसकी स्पीच थी, तो हम इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम एक पाकिस्तानी जमात को गो इसकी सिलेक्शन, उन्होंने कहा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने की है जी, बिल्कुल मैंने नहीं की, हमारे ख्वाहिशात पर नहीं हुआ, कारकर्दगी पर हुआ है, लेकिन हमें खुशी हो रही है कि एक पाकिस्तानी जमात को हम ये अवार्ड दे रहे हैं ताकि ये तासुर जाहिल हो जाए पाकिस्तान के अंदर से कि हम किसी के खिलाफ। बिल्कुल बड़ा अच्छा था, ये मेरे लिए फख्र था और मुझे इसका तसव्वुर नहीं था। ये तंजीम एक सिर्फ करेक्शन यहाँ कर दूँ, हर दो साल के बाद हर दो साल के बाद अवार्ड देती है, और जैसा कि आपने खुद देखा कि 80 तंजीमात थी मुख्तलिफ, उनको उन्होंने हिस्सा लिया, उनकी सिलेक्शन बहुत सख्त छाननी में होती है, उनकी तमाम कारकर्दगी एविडेंस देने पड़ते हैं, खाली ज़ुबानी कलामी या बातों पे नहीं होता, हम उनको तमाम सबूत डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफ वीडियोस ये सारी चीज़ें पेश की, उनकी तहकीक की उन्होंने, उनको क्रॉस चेकिंग करने के बाद उसके बाद जाकर फिर उन्होंने और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि उन्होंने हमें ये इस काबिल समझा। शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एजाज़ की और फख्र की बात है कि पाकिस्तान कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, एक पाकिस्तानी जमात जिसके आप सरबरा हैं हमेशा से और मेरे ख्याल में हमेशा तक रहेंगे, कि अब तक यही सूरत हाल सामने आ रही है कि वन मैन शो के तौर पर ही आप इस जमात को लेकर चल रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर, क्या वजह है कि पाक हेल्निक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी आपकी जात से बाहर नहीं निकल सकी और दूसरों को आगे आने का मौका नहीं मिल सका, आपको छोड़ते गए जाते, क्या वजह बनी कि एक मजबूत जमात नहीं बना सके आप इसको? जी वही मैं, बड़ा अच्छा सवाल किया एहसान भाई आपने। आप इसको बैड लक कह दें कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है, मैं आज का आपको सिद्ध के दिल से बात बता रहा हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि यंग जनरेशन पढ़े लिखे सुलझे लोग आए, उनको मैं आगे करूं ताकि सदा बाहर तो नहीं मैंने रहना। शाह साहब यहाँ एक बात है, एक छोटी सी काटूंगा, ये यंग जनरेशन पढ़े लिखे और नौजवान ये तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में यूरान आना शुरू हुआ है जी बिल्कुल, वरना इससे पहले तो होता था ना यंग आते थे ना पढ़े लिखे आते थे, लेकिन सुलझे लोग थे, सुलझे लोग यंग नहीं थे, सुलझे लोग थे, मैंने उनकी भी कोशिश की उनको करीब लाने की और आगे लेकर जाने की, उनको तारफ करवाने की ताकि वो आगे बढ़े, और मैं सिर्फ बैक उनकी सपोर्ट करता रहा। तारफ हुए भी लेकिन कल्चरल सोसाइटी में नहीं रहे, लेकिन नहीं रहे। ये कल्चरल सोसाइटी की या सैयद मोहम्मद जमील की गलती नहीं थी, मैं बर्मला आज आपको ये बात बता रहा हूं, मेरा काम था, मैं करता हूं ईमानदारी पे और सिंसियरिटी पे काम अल्लाह ताला की रजा के लिए, इसमें कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, आपको कोई वसायल ना होने के बावजूद भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैं फिर उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, किसी और वक्त नाम रखूंगा, मैं उनके जरूर लेना चाहूंगा। वैसे भी तनकीदी प्रोग्राम नहीं है। नहीं बिल्कुल नाज़रीन, नहीं नाम जिन्होंने गलतियां हर इंसान के अंदर होती हैं, और अगर हम उन गलतियों का बतौर साथी या बतौर एंकर बैठ कर अगर उन गलतियों को हाईलाइट ना करें तो हमारे पेशे के साथ भी इंसाफ नहीं होता। लेकिन चूंकि आज एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हमारी पूरी कौम को फख्र है, बजाय इसके कि हम शाह साहब की किसी गलती को ज़्यादा उसको कुरेदने की कोशिश करें जो बयान की जाती है, अब है या नहीं है तो यही बेहतर जानते हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि आज किस प्रोग्राम को लाइट रखा जाए, क्योंकि एक काबिल फ़ख्र बात है कि एक पाकिस्तानी जमात को एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड दिया गया है, और इस बात के साथ दिया गया है कि चूँकि पाकिस्तानी हमसे गुज़िश्ता कुछ अरसे से नाराज़ हैं और ये समझ रहे हैं कि हम उनसे तासुब रखते हैं, तो हमें ये फ़ख्र हो रहा है जब सदर यूनान ने ये अवार्ड शाह साहब को दिया तो इस जमात के सदर ने किनी सी पोलिटोन के सदर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हकीकत बात यह कि मैं उस मजलिस के अंदर बैठा हुआ अबदीदा हो चला था कि कम अज़ कम हमारे पाकिस्तानियों के नाम पर अब भी इन लोगों के दिलों में इतनी नफरत नहीं। शाह सबसे मजीद सवाल करेंगे क्योंकि जो तनकीदी प्रोग्राम है वो तो मेरा और इनका वैसे भी चैलेंज हो चुका है, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो होगा और इनसे करेंगे भी, लेकिन आज इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार, अब आपके शहर में मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास, दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ, बातमात नाम बातमात सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें
हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी सिंपल फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, खीर मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मायार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। अम्ताज ट्रेवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महजब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम बाएतमाद काम। अम्ताज ट्रेवल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनमाई के लिए हाजिर खिदमत। अम्ताज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलक, खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में, हर फन को इतनी चाह से करती है, हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बे में दो की जगह हासिल करें तीन पैकेट्स। ब्रदरता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। इम्तियाज सेटेलाइट की फख्री पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन आईपीटीवी वर्ल्ड। मजीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years and winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. Welcome back नाज़रीन। शाह साहब के उसी सवाल के जानब जाते हैं जिसका ये जवाब दे रहे थे कि क्यों आज तक पाक हेल्दी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी पर यह तासर है कि वो सिर्फ सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब की ज़ात तक महदूद है, उसकी टीम नहीं बन सकी है, एक टीम वर्क जो है मजबूत टीम वर्क सामने नहीं आ सके। शाह साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, उसमें मैंने रोक दिया था, तो काइंडली अपनी बात मुकम्मल कर जी। इसाम भाई, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये काम जो भी है जिसका आज सिला मिला है, ये है वॉलंटियरली, बिल्कुल खिदमत खलक, हदीस कुरान की रोशनी में, इस्लाम की रूह से जो वाकई खिदमत खलक करनी चाहिए, वो जज्बे से मैं ईमानदारी से ये काम करता हूँ, कोई भी, और पूरी दुनिया गवाह है इस चीज़ की। अब प्रॉब्लम ये होता है, लोग आना तो चाहते हैं, आए भी हैं, लेकिन उनके नज़रियात या उनका विजन होता है कि हमें को जल्दी से जल्दी हमें कोई चीज़ मिल जाए, पैसा मिल जाए, खिदमत खलक भाग दौड़ जो है वो महदूद ही हो, बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। शाह साहब, ये तो हकीकत है ना कि जो वॉलंटियरली काम करने वाली जमातें उनको पैसा कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। एक सेकंड, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मिले, बिल्कुल होते हैं बड़े, बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से पाक है, लेकिन लोगों का शिकायत है कि आप वो सारे अकेले ही खा जाते हैं, देते नहीं आप उनको। नहीं, ये बिल्कुल, ये तो देखें, जब ये फंड मिलते हैं ना, वो खाल उधेड़ते हैं चेकिंग करते वक्त, ऐसे नहीं कि आपको पैसे टेबल पे दे दिए, जेब में दिए तो खा पी के चले गए ना, एक पूरा निजाम है, एक प्रोग्राम होता पूरा, एक पूरा प्रोग्राम है। और पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी वाहिद जमात है, मैं सबके सामने कह रहा हूं, जितनी भी इमिग्रेंट्स की जमातें हैं, जिसका फोरिया, जिसका कैथरिस्टिको अपडेट है, इका एवरीथिंग। लेकिन शाह साहब, बात फिर वही आती है, सब कुछ अपडेट है, लेकिन वो सब कुछ आपकी जात तक महदूद है। नहीं ना, अगर वो रेडियो, अगर उसके तहत आपने रेडियो लिया तो अभी आपकी जात का ताबे है, नहीं अगर उसके तहत इसका बकायदा पूरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड है। अब उसमें बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सिर्फ महदूद है, लेकिन उनका वादा है कि मैं उनके नाम डिक्लेयर ना करूं, वो बैक रह के काम कर रहे हैं मेरे साथ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ग्रीक्स है। मेरी मजबूरी बन गई थी कि उसको चलाना था, और ग्रीक लॉयर्स भी हैं,
डॉक्टर्स भी हैं पीएचडी और दूसरे अहम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी हैं, मेरे सोसाइटी के बोर्ड, अब ये लोगों को तासर बड़ा करता है। पाक कम हो गया, एलिनिक ज्यादा हो गया, वो जो भी है, लेकिन एक जमात को चलाना है, पूरा बोर्ड मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता कहीं भी, कहीं भी। अच्छा शाह साहब, ठीक है, उसके बाद से लोगों का मसला था, मैंने बड़ी कोशिश की कि लोग आए, लेकिन वॉलंटियर ज्यादा नहीं, लेकिन वो नहीं चल सके, उनके मफादात और थे, वो चाहते थे रातों रात ये सब हो गया। फिर दूसरी बात कि वो चाहते थे कि नंबर दो काम जो है वो ज्यादा हम करें पब्लिक के। मैंने आज तक, ये आप भी इस चीज की गवाही देंगे पूरा माशरा, कि पाक हेलेनिक पे कम से कम ये दबा नहीं है, अल्लाह ताला की जात का करम है, फंड्स भी मिले हैं, ईमानदारी से मिले हैं, और कहां कहां खर्च हुए हैं ये जो बड़े ऑडिट कमेटी हैं उन्होंने चेक किए हैं बकायदा, मेरी जेब में बहुत कम। हाँ, वो जा, मेरे बच्चे बीवी फैमिली मेरा हक है, वो जाते हैं जो मुझे स्पॉन्सर्स अपनी बरादरी से मिलते हैं, उसमें से कोई मुझे मिलता है मैं अपना हक अपनी मेहनत लेता हूं। मेरा आपको पता है सारी दुनिया को कि मेरी रेगुलर जॉब नहीं है, कोई इनकम का सोर्स मेरा रेगुलर नहीं है, जब से मेरा बिजनेस रेस्टोरेंट्स या शिपिंग के थे वो खत्म हो गए और मैंने अपने आप को फुल टाइम डाइवर्ट कर दिया है सिर्फ इस खिदमत खलक में दिन रात। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं सफेदपोश, नाम नहीं वो लेने देते, मेरे पास पेट्रोल नहीं होता वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पास और टेलीफोन्स के नहीं होते उन्होंने सपोर्ट किया है, अदारों ने 1,000 फोटोकॉपियां डोनेट किए हैं करके देते हैं आज तक, तो ये मेरी सपोर्ट हेल्प है उनका भी। अच्छा सर, ये बताइए, ये बताइए, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है, पाक हेलेनिक के कल्चरल सोसाइटी के, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कल्चरल शो आपने ऑर्गेनाइज करवाए, उसके हम भी गवाह हुए, वो उसके बाद रेडियो आपने लिया, उसके बाद टीवी में आपने कुछ अर्सा काम किया, उसके बाद जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं वो आपने लिए, रेंदी में आपने दफ्तर बनाया, बहुत सारे काम किए, इसके अलावा कोई ऐसा मेजर काम जो हमारी पूरी पाकिस्तानी बरादरी को मुत्तहिद कर पाता, कोई ऐसा मेजर काम कि जिससे हमारे लोगों को एक जनरल फ़ायदा पहुँचता, सैयद मोहम्मद जमील शाह को टच किए बगैर कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को ये फायदा पहुँच रहा है, कोई आपकी नज़र में अगर हो? बहुत सारे काम है, मसलन मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की, आप भी जेलों में मसले और वो जो नहीं, नहीं वो नहीं, उसके अलावा कानून साजी के काम है। मैं फख्र से कह सकता हूं कि 2000 पहली इमिग्रेशन में अर्ता की का मसला जो था वो सैयद मोहम्मद जमीर और पाक हेलेनिक कल्चरल एंड सोसाइटी के कहने पे, उसकी डिमांड पे वो कानून बदला, रिकॉर्ड रिटन मौजूद है फाइलों में। उसके बाद दोबारा इमिग्रेशन हुई, जो 6-7 सबूत उन्होंने रखे थे, 8वां सबूत पाक हेलेनिक सैयद मोहम्मद जमील के कहने पे रखा गया पासपोर्ट का, उसका नोटिफिकेशन बाद में आया, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि 31 दिसंबर 2004 से पहले का जो पासपोर्ट सफारतखाने से इशू हुआ था वो एज ए सबूत मैंने मंजूर करवाया, सेक्रेटरी जनरल वजीरिया नहीं होते थे उस जमाने में वजारत दाखिला के, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। ये वो काम है जो तारीखी है, जिनको, जिनसे लोगों ने बेनतहा बहुत सारे लोग लीगल हुए, मतलब ये काम है प्रैक्टिकल जो किए हैं। उसके अलावा मस्जिद का सबसे सेंसिटिव इशू है, 25 साल से पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी जो है वो सर फहरस्त है तमाम इमिग्रेंट्स की कम्युनिटीज में, जिसमें वो पेश रही है तमाम हुकूमतों की मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, इसके लॉ को चेंज करने में, चर्च को इस पर एग्री करने पर, चर्च सबसे ज्यादा मुखालफ था, लेकिन उनको हम दुआ कर सकते हैं, वो पहले जो आर्किबिशप होते मुफ्ती यहाँ के क्रिस्टो दोलू, उनकी मीटिंग से और हमारे, ये सब चीज़ों के रिटन रिकॉर्ड है इसान भाई, ये वर्बली बातें नहीं है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड का हिस्सा है जो इस पूरे इसमें मौजूद है, जो उन्होंने चेक की हैं, तो ये चीज़ें की हैं। फिर जो रवैये थे पुलिस के, हमने मीटिंग्स रिटन उनसे करके, जो जहां जहां भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, ज्यादतियां हुई हैं, और लोगों ने भी की हैं, लेकिन पाक हेलेनिक भी उसमें पेश रही है अमन कमेटी के साथ, बाकी शख्सियात के साथ, यानी ये ऐसे काम हैं जो किए हैं, सेमिनार्स हमने किए हैं, लोगों के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उनको अवेयरनेस दी है। शाह साहब, ये तासर क्यों दिया जाता है कि आप हमेशा प्रो पुलिस रहे? हाँ, वो इसलिए पॉलिसी आपकी, आपकी जमात की और आपकी पॉलिसी है हमेशा गवर्नमेंट और पुलिस के प्रो रहना, नहीं उनके खिलाफ कभी भी नहीं करना जो चाहे, बड़े बड़े ये बात नहीं, सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये मैं बताऊं कि कैसे कैसे मैंने मेरे रिटर्न, मैं काम करता हूँ रिटर्न, जुबानी चीजें मेरे सेमिनार या मीटिंग जाके करता हूँ ना, वो जुबानी चीजें होती है, मैं जो जुबानी करता हूँ मैं रिटर्न भी उनको भेजता हूँ, उनके खिलाफ पुलिस के बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स लेफ्टिनेंट जनरल्स
उनके खिलाफ भी मैंने रिटर्न लिखे हुए हैं, एक्शन लिए हैं मैंने, और उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। आसपर पिरुगो में नमाज के वक्त जब उसको मारा गया था, 3 पुलिस ऑफिसर उसी वक्त बुल्गारिया की मिनिस्टर थे। नाजुल कुरान की मस्जिद में जो वाकया हुआ था उसका केस आपने क्यों वापस लिया? मैंने आपको अपने प्रोग्राम में भी कहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से केस रजिस्टर करवाया, उसके वापस होने में मेरा कोई तल्लक नहीं, ना मुझसे मशावरत की गई। खुद ही ले लिया उन्होंने जी, ये उन्होंने उनका आपके उसमें मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं था। लेकिन आप उसके बड़े अहम रुकन था जब आपकी उसमें, मतलब ये तनकीदी प्रोग्राम जो नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं तफसील नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि इतना बड़ा इवेंट हुआ उस मस्जिद में, खुदा और मैंने अपना हक अदा कर दिया और रिपोर्ट हुई उसके बाद, अपने इस्तेमाल करके वहां से रिपोर्ट वापस नहीं सर, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे पता भी नहीं था, नाजुल कुरान ने खुद ही कर, उन्होंने खुद किया, ये उनका राइट, चले ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मर्जी जाहिर है कि उस पे हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी जमात है उसकी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी पॉलिसी। अरे शाह चले ये तो इन बातों में अगर उलझ गए तो बात हो जाएगी। लोगों के बहुत काम किए हैं, बहुत काम ऑन रिकॉर्ड किए हैं, उसका सिला मिल गया ना, प्रो जो आप उसका सिला मिल गया, सॉरी मैं उसके प्रो पे आ जाऊं कि हमेशा से डेमोक्रेटिक तमाम जगह पे, हमारे मुल्क में भी, हमारे सब तमाम दुनिया में क्या होता है एहसान भाई, हमारा कोई आर्गुमेंट्स है या हमारी कोई हकूक है, डिमांड है, उसका सबसे पहला डेमोक्रेटिक वे क्या है कि आप बातचीत करें, बिल्कुल सबसे पहला भी यही, आखिरी भी यही, आखिरी भी यही, जंग के बाद ही बातचीत ही करनी, बात करनी होती है। हमेशा से ये हमारा रहा है कि हम तमाम मसाइल पे, चाहे कम्युनिटी के हैं, चाहे कोई भी है, इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, पाकिस्तान के इश्यूज भी आए हैं, हमने जाकर पहले टॉक की है, बार बार की है, मौके दिए हैं। अब उसमें शाह साहब एक नया इशू, ये एक नया मौजू मिल जाएगा जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं कि उन इश्यूज पर हमें हासिल क्या हुआ और ना प्रोटेस्ट करने पर हमें नुकसान क्या हुए, रहेगा। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अवार्ड मिल गया, इस अवार्ड के मिलने के बाद जो आपको खुशी जो मिली, लाजमी तौर पर इस खुशी के बाद आप, आपके दिल के अंदर से वो तमाम रंजिशें, वो तमाम तकलीफें, वो तमाम सोचो विचार ख़त्म होगी होगी जो आपके साथियों ने आपका साथ नहीं दिया, जाते रहे छोड़ते रहे, लेकिन बाज़ ऐसे भी आपके साथी हैं जो आंधी हो या तूफ़ान हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, वो सैयद मोहम्मद जमील शाह की छतरी के नीचे हैं, पाक एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी की छतरी के नीचे हैं, बेलौस खिदमत दे रहे हैं और ऐसी ऐसी खिदमत दे रहे हैं कि शायद सगा बेटा आपका आपको ना दे रहा हो, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि सब छोड़ गए, नहीं कुछ, नहीं सब कुछ ऐसे भी, ऐसे भी मुखलिस लोग हैं कि जिन जिनकी जो खिदमत है वो रिकॉर्ड पर है, बिल्कुल, वो आपसे ज्यादा शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, आपसे ज्यादा काम भी कर रहे हैं, आपसे ज्यादा वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं आपके। बहुत अच्छा आपने ये एहसान भाई, बड़ा अच्छा आपने बीच में ये पॉइंट किया है, ये बड़ा जरूरी था। मैंने अपनी गुफ्तगू में एक मैं फिक्रा की है, वो शायद आप मिस कर गए कि मेरे अभी भी कुछ पाकिस्तानी हमारी बोर्ड में हैं जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, ये मैंने रिकॉर्ड भी किया है मैंने, और मैं वाकई मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यकीन कीजिए मैं दिल से बात कह रहा हूं। कर सकते हैं आप, करते नहीं, नहीं मतलब मैं उनका नेमुल बदल नहीं दे, नेमुल बदल नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिस्प्ले में हैं, जिनका जिनका पता है कि ये शाह साहब के साथ बता रहा है। मैं कहता हूं ये मैंने यही मैं कह रहा हूं कि ये मेरा खाली सैयद मोहम्मद जमील नहीं है, पाक हेलेनिक नहीं है, ये स्पेशली वो शख्सियात हैं जो आपके बकौल और वाकई रियलिटी है, दिन हो रात हो आंधी तूफान हो, है नहीं है, वो मेरे साथ रहे हैं, मेरी तंजीम के साथ रहे हैं और आज भी हैं। मैं उनका सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और यकीन कीजिए कि मेरा वो असासा है और मेरे बाद मैं समझता हूं कि इस तंजीम को मुझे फख्र है कि ये खत्म, ये जो तनावर दरख्त मैंने बनाया है वो उसको संभालेंगे पूरा। शाह साहब अक्सर ऐसा होता है, देखिए जब आप किसी बच्चे को आला तालीम दिलवाते हैं तो वो फवायद बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे गलतियां भी होती हैं, गलतियां पाक हलने कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के साथ उसके प्लेटफॉर्म से भी कुछ हुई जिनकी तफसील में जाना आज मुनासिब नहीं है, ना ही मैं उसको जा रहा हूँ, लेकिन बलिहाज मजमुई क्या हम समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को जिसने अवार्ड हासिल किया, आम आदमी तक, आम जो रहनुमा है यहाँ पर, जो मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सबके लिए, उन सबको किसी तरीके से साथ मिलाकर बिठा कर, इतना वर्क आपने किया है, इतनी आपने जान पहचान बनाई, बकौल आपके एक आपने तनावर दरख्त बना दिया, तो फिर कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही कि जिससे अगर अल्लाह ना करे कल को आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो, देखे जो जिस जरूर में पैदा ना हो सकता, मैं आपसे पहले चला जाऊँ, कोई और हो तो वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए,
तो उससे कम अज़ कम हमारे यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचता रहे, उस दरख्त से फल मिलता रहे, इस बारे में कभी सोचा? दिन रात सोचता हूँ, ये साथ लेकर जाएंगे? नहीं, मैं दिन रात सोचता हूँ, बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, अफसोस इहसान भाई आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, कोई मिल नहीं रहा। हो सकता है, हो सकता है उसमें आपका रवैया शायद साथियों के साथ अच्छा ना होता हो, या जो पहले बात की कि अगर कहीं से माल आया तो आप अकेले खा जाते हो, या आप किसी को वो तमाम चीज़ें देना ही ना चाहते हो कि जो जिसका अगला बंदा है ना, कुछ इस तरह की बात आप समझते हैं आपके अंदर है, या आपकी किसी बात से कोई बंदा? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है लोग इज्जत करते हैं आपकी हर जगह पर। नहीं होता है, मैं अगर होता, अगर होता जमात में, अगर होता तो मैं बरमला आपको कहता हूँ, बिल्कुल मुझे कोई आर नहीं है, आपको पता है कि मेरी तबीयत है, मैं अपनी कोताहियों गलतियों, इंसान खता का पुतला है, बिल्कुल बेशक कोताहियाँ भी होती हैं, गलतियां भी सरजद होती हैं, उससे तो फिर आगे सबक ही नहीं इंसान सीखता, आगे बढ़ता ही नहीं है। मैं गलतियों कोताहियों से सीख के आगे आ रहा हूं मैं, और अभी भी हो सकता है कोई कोताहियां हो, लेकिन ये जो खला है इसके मुतल्लिक मैं दिन रात सोचता हूं बाखुदा, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक उम्मीद की किरण कहीं से दूर से नजर आ गई हो, छोटी बहुत, बहुत मुश्किल आप समझते हो कि भाई शायद मैं भाई आज मैं ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपता हूं। अल्लाह, मैं हकीकत है मैं आप आखिरी दफा मैं आपको फ्री हैंड देता हूं, आप ट्राई करें, आपको जल्द मालूम हो जाएगा। क्या सबसे पहले तो मुझे वो लिफाफा देना जो इसके साथ आपको मिला है। जी यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। जी जी, वो तंजीम का मुझे दे देना, सुने तंजीम दे देना, तंजीम का है, तंजीम के अकाउंट में उसका अकाउंटेंट लॉयर है, मैं यही कह रहा हूं ना कि आप उससे स्टार्ट करें ना, ताकि मैं देखिए वो तंजीम का अकाउंट है, तंजीम में मिला है, ये है तंजीम के अकाउंट में, ये तंजीम के नाम है, तंजीम के अकाउंटेंट को चला गया, वो तंजीम के जाएगा, और तंजीम एक निजाम के जरिए चलती है। काश ये सैयद मोहम्मद जमील के अकेले के बस में होता। लेकिन शाह साहब, इसकी अवेयरनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर मैं आज भी अच्छी तजावीज का ओपन में रखता हूं कि कोई भी अच्छी तजावीज प्रैक्टिकल और डायलॉग मैं आज आपको सौंपता हूं, गो हैड कैरी ऑन, और इसको पुर इस खला को पुर करने के लिए साहब हमारा काम तज़िया करना, खबरें देना और बातचीत करना है। जाहिर है कि हर सियासतदान या हर जमात को एक साफी है एक एंकर नहीं संभाल सकता, ना ही उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंसान के लिए एक रास्ता मुतय्यन करना, ये सीरियस इशू है बाखुदा, मैं फील कर रहा हूं दिन रात, ये सीरियस इशू है। मेरा सेहत का प्रॉब्लम था, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इतना सारा कुछ मैंने किया, देखिए डायलॉग से चीजें होती हैं, जो लोग इसको वो करें ही ना कि जी प्रो पुलिस, प्रो गवर्नमेंट, प्रो ये चीजें, ये सोचो को भी तो बदलना है कि नहीं बदलना, वीएन आपने पैदा करना है अंदर। मैंने फिर अगले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी, हमारे मुल्क में नाजम है, काउंसलर है, एमपी है, एमएनएज है, क्या वो पटवारियों से, एसएचओ, थानेदारों से तल्लुकात डीसीओ से नहीं रखते, लोगों के काम कैसे कराएंगे? नहीं शाह साहब, तल्लुकात पे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। जी जी, मुझे इख्तलाफ इस बात, इस तरह मैंने मिसाल दी मनाजुल कुरान वाले मामले की, इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर पाक एलनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से गलतियां हुई मेरी नजर में, लेकिन उसकी तफसील हम नहीं जाएंगे। इस एक किसी मिसाल को ले लीजिए कि एक कितना बड़ा इवेंट होता है हमारे खुदा और रसूल को, वहां पर नाउज बिल्ला गालियां लिखी जाती हैं, हम उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखते हैं और उस रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसको वापस कर लेते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर आके हैरत इस बात पर होती है कि रिपोर्ट करवाने के लिए पाक एलनिक कल्चरल सोसाइटी एक्टिव होती है और निकलवाने के लिए मिनाजुल कुरान एक्टिव हो जाती है। इसमें पाक एलनिक का तो कसूर नहीं, अब साबित हो गया ना, आप ही को करना चाहिए ना। नहीं, इसमें और भी कई ऐसी चीजें होंगी जहाँ गलतफहमियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, और जहां वाकई होंगी मैं एक्सेप्ट करूंगा। शाह साहब, आपने कभी सोचा है कि पाक एलनिक वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी की जो खिदमात हैं, जो इसकी सरगर्मियां हैं, उनकी वजह से आपने अपने बीवी बच्चों को कभी हक मारा है, कभी उनको तकलीफ दी है, कभी उनके साथ ज्यादती की है? जी हाँ साहब, की है ना, बेशक। आज फिर ऑनलाइन माजरत कर लें आज, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट थी, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा। मैं बिल्कुल, लेकिन इहसान भाई बिल्कुल, मैं और मैंने कल भी अपनी स्पीच में वहाँ यही बात का की है कि मैं ये अवार्ड जहाँ मैं अपनी पूरी बरादरी को बला तफरीक, भाभी शबाना का बनता है, नहीं मैंने कहा कि मैं ये मेरा अवार्ड मेरी फैमिली को मैं उनको करता हूँ, अपनी बरादरी को, पूरी पाकिस्तानी बरादरी को, कौम को और अपनी फैमिली को, ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कर, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, और वाकई जिले की ने कि मेरे पास और चॉइस नहीं है।
वही बात आपकी वाली फिर लंबा मौजू हो जाएगा, निमुल बदल नहीं है। आज भी आखिरी साल आप देख ले, आखिरी इतने फोन आते हैं आखिरी साल, पूरी दुनिया इस वक्त बरादरी में तंजीमें हैं ना, शख्सियात है ना, पढ़े लिखे हैं, सोर्सेज वाले हैं ना, क्या वजह है? क्यों मैं ही सुबह से शाम तक मिनिस्ट्रियों को कंपेल कर रहा हूं, नोटिफिकेशन तैयार करवा रहा हूं पारातासी का, और लोग तमाम तंजीमात तमाम लोग मुझे फोन करके पूछते हैं जी पारातासी कब होगी, मैं ही उनसे फोर्स करके, यानी एक मिसालें मैं आपको दे रहा हूं, क्यों बाकी लोग नहीं आगे चले? मैं नाज़रीन अपने आखिरी सवाल का मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। सैयद उमर जमील शाह साहब को अवार्ड मिल गया किनिसी पॉलिटन की जानिब से, 43 साल इनको यूनान में हो गए खिदमात फराहम करते हुए भी और यहाँ रहते हुए भी, और कल जब इनको अवार्ड दिया जा रहा था तो मैं देख रहा था कि काफ़ी आपदीदा और जज्बाती हो रहे थे, और होना भी चाहिए क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लामोहला इंसान और इंसान गलतियाँ भी करता है, अगर गलतियाँ नहीं करेगा तो इंसान नहीं होगा, लेकिन जो ज्यादतियों के ज़मरे में आती है वो नहीं होनी चाहिए, गलतियों के तक तो ठीक है। तो शाह साहब का एक पहलू था कि इनको अवार्ड मिला इनकी खिदमात के एतराफ़ में, आज हमें लामोहला इस बात का एतराफ़ करना चाहिए बिला तामुल और बिला किसी किस्म की झिझक के, कि शाह साहब ने जो खिदमात फराहम की उनके रिकॉर्ड पर इनको अवार्ड दिया गया, और इसमें इनके ताल्लुकात वाकई इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि मैंने भी जो मीटिंग्स तो अरेंज वहाँ पर जो हुई थी उनमें जो शिरकत की, उन मीटिंग्स से यही तासर मिलता था कि उसकी एपिथ्रोपी बहुत सख्त थी। बहरहाल जो भी हुआ शाह साहब को अवार्ड मिल गया और सफारत खान एक सेकेंड सिर्फ आखिरी, मैं उन तमाम मजहबी शख्सियात मैं उनका भी तह दिल से मशकूर हूँ, मिनहाजुल कुरान कायदे मोहतरम डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी साहब, पीर सुल्तान फियाजुल हसन कादरी साहब, पीर हसनात साहब, जामी पीर जामी साहब गोलर शरीफ वाले, दावत इस्लामी वाले, ये सारे जितनी भी मजहबी तंजीमात के आला शख्सियात हैं उनके जो पीर और ये सब हैं, वो मुझसे सब प्यार मोहब्बत करते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं, ये उन सब की दुआओं का भी नतीजा है और उनका भी ये मोहब्बत शफकत, मैं उनको सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआओं के लिए कहता हूँ। नाज़रीन चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद किसी नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, और हमें थोड़ी सी तशनगी रह गई है शाह साहब के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात हैं जिन पर इनसे बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, बड़ी तफसील से प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। लाजमी तौर पर हमारे देखने वालों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आज इसने शाह साहब से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, तो मेरे भाई आज कम अज़ कम इनके साथ नहीं बनता था, इंशाल्लाह आपकी तशनगी ख़त्म करने के लिए फिर किसी दिन से कोई प्रोग्राम रखेंगे और जो आपकी शिकायत होंगी वो भी इनके सामने रखेंगे, इनसे उसका जवाब लेंगे। शाह साहब आपकी इस प्रोग्राम में शिरकत का बेहद शुक्रिया, नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ पाकिस्तान 156 मिनट्स, बराए रब्ता इम्तियाज़ ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान।